हेलो दोस्तों, आदिका मॉम किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने रायता तो बहुत खाया होगा, लेकिन आज बहुत ही हेल्दी और बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी रायता, बहुत ही डिलीशियस रायता हम बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो रायता है आज हम मखाने से बनाएंगे। दोस्तों, मखाने का रायता जो होता है बहुत ही हेल्दी होता है, तो दोस्तों चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने दही लिया है, 1.5 कटोरी मैंने यहाँ पे दही लिया है। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मखाना लिया है, हरी धनिया लिया है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक काटा है। हरा मिर्च लिया है दोस्तों, अगर आपको हरा मिर्च पसंद नहीं है तो आप रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। यहाँ पे मैंने जीरा पाउडर लिया है, जीरा को मैंने भून के उसको मैंने पीस के इसका पाउडर बना लिया है। यहाँ पे मैंने प्लेन नमक लिया है, सादा नमक जो हम खाते हैं। यहाँ पे आधा चम्मच मैंने यहाँ पे काला नमक लिया है, और यहाँ पे 1 चम्मच मैंने चीनी लिया है। दोस्तों, रायता जो होता है वो खट्टा मीठा होता है, तभी अच्छा लगता है। सबसे पहले यहाँ पे हम घी जो थोड़ा सा हमने लिया है, इसी घी में हम इस मखाने को फ्राई कर लेंगे। ऐसे थोड़ा सा भूनना है हमको केवल। अगर आपके पास दोस्तों घी नहीं है तो आप ऐसे भी भून सकते हैं, और जो मखाना होता है वो ऐसे भी ड्राई रोस्ट हो जाता है। तो चलिए इसको रोस्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे गैस पे मैंने पैन रख दिया है, अब इसमें हम जो घी लिए हैं उसको डालेंगे। इसको हम मेल्ट करना है। तो उसको घी जो मेल्ट हो गया, तो अब इसमें हम मखाना डाल के इसको हम रोस्ट कर लेंगे। इसको ज़्यादा नहीं, बस इसका जब हल्का कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसको भूनना है। लो फ्लेम पे इसको रोस्ट करने से 2-3 मिनट बाद जो है इसका कलर चेंज हो रहा है, तब हम गैस की फ्लेम को जो है वो बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तब दोस्तों, जब तक मखाना ठंडा हो रहा था तब तक हम दही तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ये हरी मिर्च डालेंगे, इसके साथ ही हम ये चीनी डालेंगे। दोस्तों, इसको डाल के हम एक बार अच्छे से इसको मिक्स करना है। दोस्तों, आप चाहे तो दही को मिक्सर में भी ब्लेंड कर सकते हैं, या फिर आप स्पून की हेल्प से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। हम विस्कर से कर रहे हैं, तो दोस्तों इसको खूब बिल्कुल अच्छे से एकदम मिक्स करना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे काला नमक, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें प्लेन नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों, अब इसमें हम मखाना डाल के उसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे ताकि जो दही है वो मखाना अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर। अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, जिसको ज़्यादा नहीं, जितनी आपकी ज़रूरत है उतना ही आप डालेंगे। मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों, इसमें हम हरी मिर्च डाल चुके हैं, तो इसलिए लाल मिर्च हम केवल ऊपर से ऐसे चुटकी भर हम इसको हरी मिर्च लाल मिर्च इसमें डालेंगे। अब इसमें हरी धनिया की पत्ती डाल के इसको हम अच्छे से गार्निश कर देंगे। दोस्तों, अब इसमें हम थोड़ा सा ऊपर से जीरा पाउडर भी डाल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमारा मखाने का रवा था वो अच्छे से दही को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो दोस्तों, अब हमारा जो मखाने का रायता है वो बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही हेल्दी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करती रहूँगी। ओके, थैंक यू।